अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम लोग लाहौर चैम्बर में मौजूद हैं जहां पर आज प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की अनाउंसमेंट थी। हमारे साथ इस वक्त पियाफ के चेयरमैन फहीमुर रहमान सहगल साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आने वाले वक्त में इनको क्या लगता है कि किस तरह से महंगाई और दीगर मामला से जो है वो निपटेंगे और इनको हल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कैंपेन में हमारे साथ रहे, भरपूर तरीके से कैंपेन में हमें उन्होंने वेलकम कहा, फिर यहाँ पे आके वोट भी डाले उससे ज़्यादा जो जज्बे के साथ, फिर आज हमारी एजीएम में यहाँ एक भरपूर तरीके से उन्होंने शिरकत भी की। तो इस हवाले पे मैं समझता हूँ कि इस हवाले से हमारी जिम्मेदारी पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। अल्लाह करे हम उनकी तवक्कात पे पूरा उतरें और इंशाल्लाह हम तवक्कात पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। और हमारा जो टारगेट है इस वक्त, क्योंकि आम आदमी के लिए जो है हालात ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल है, इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, खसूसी तौर जो पावर सेक्टर है ना, गैस और बिजली की प्राइसेस पे मेरा ये कोशिश होगी कि हम गवर्नमेंट को इस बात पे कायल करें कि ये जो है ना पावर सेक्टर में सब्सिडी दें और इस पावर सेक्टर को नीचे की तरफ लाएँ ताकि हमारे एक आम आदमी की ज़िंदगी भी बेहतर हो सके और हमारे यहाँ जो लोकलाइजेशन है और लोकल इंडस्ट्री भी उससे फ़ायदा उठा सके। और दूसरी तरफ जो हमारी इम्पोर्ट अननेसेसरी इम्पोर्ट है उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करेंगे और हमारा जो यूथ का पोटेंशियल है 60-65% उसको मुल्क की मेन स्ट्रीम में यूज़ करने की भरपूर कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हमारा इतना बड़ा एसेट है जिसको हम यूटिलाइज करते हुए अपने मुल्क को माशी की तरक्की की राह पे गामजन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर।